शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से। अरे, हमने तुम पे भरोसा किया और तुमने ची। पता होता तो तुम जैसी को तो बहू बनाना दूर की बात है, हम अपने मुंह तक नहीं लगाते। हमें हमारी बच्ची वापस मिल गई और हमें कुछ नहीं चाहिए। और एक बात, हाँ, हमारी बच्ची को अब आप हाथ भी नहीं लगाएंगे। माता रानी, क्यों मेरा दिल इसके पछतावे पर एक बार फिर से भरोसा कर रहा है? कोई तो वजह होगी ना। दीदी दीदी, भूख लगी, कुछ खाने को दे दो। कोई बात नहीं, अब पायल को चक्कर आ गया होगा। पायल, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें ज्यादा कमजोरी लग रही है क्या? अरे, इसकी तबीयत हरी भरी है, तभी तो हमारा नुकसान करा दिया इसने। अरे, डॉक्टर ने बोला था कितने महंगे इंजेक्शन थे और छोड़ दिए इसने। मम्मी जी, इसे चक्कर आ गया है इसीलिए गिर गया। अरे, अब चक्कर ना हम सबको आएगा, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है इसके आने वाले कांड की। अब तुम लोग सब देखते रहना। अरे, हम तो कब से कह रहे थे लेकिन कोई सुनता ही नहीं। पायल, हो जाता है ये कभी कभी, तुम इन बातों को दिल पे मत लगाना। हाँ, पर उनकी चिंता भी हम समझ सकते हैं, तुम उनकी फिक्र मत करो, वो सब मुझ पे छोड़ दो। तुम्हारी तबीयत खराब है, अभी तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। नहीं है, मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिल रही। अरे, दो दिन नहीं हुआ इस लड़की को आई हुई और इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हम तो कह रहे थे कि सबना अपने जेवर और पैसे देख लो, वो पक्का उड़ा कर ले गई होगी। मम्मी, बुआ जी, आप दोनों भी ना पहले से गलत सोचने लग जाती हो। अब मैं काम करती हूँ, उसको फोन लगा कर देखती हूँ, कहाँ है वो। हाँ, अरे स्पीकर पर डालो, क्योंकि हमें भी सुना है कि लड़की अब क्या कहानी सुना रही है। लगाओ जी। हेलो। हाँ श्रद्धा। हेलो पायल, तुम अचानक बिना बताए कहाँ चली गई? वो एक काम था, वो बस खत्म करके हम जल्दी आते हैं। ये नहीं आने वाली है दीदू, उसकी आवाज से पता नहीं चल रहा। ये ना आपका बच्चा लेकर भाग गई है, हम बता रहे हैं। सॉरी। भैया, आपने इस लड़की को कहीं देखा है क्या? यस मम्मी, इधर ही। थैंक यू। हमें अंदर जाना है। किससे मिलना? लक्ष्मी जी से। जेल में किससे मिलने जा रही है? लक्ष्मी जी। भाई साहब, मुझे अंदर जाने दीजिए, अब मुझे लक्ष्मी जी से मिलना है। देखिए, एक बार में एक ही आदमी जा सकता है और अभी एक लेडीज गई है अंदर जो लक्ष्मी से मिलने के लिए, तो अभी आप रुकिए। अभी कोई गया है, अभी रुको। बिना अंदर जाए पता कैसे चलेगा कि पायल आई क्यों है लक्ष्मी जी से मिलने?
ए, कौन था वहां? ए! अम्मा, मेरा शक सही निकला, पायल अभी भी नहीं सुधरी। कैसे हो? अभी यहाँ कोई कैसा रहेगा? तुम अकेली हो, हमको बहुत चिंता हो रहा है। काहे चिंता करती हूँ अम्मा, जानती तो हो अपनी पायलिया को। जानते हैं बिटिया, लेकिन बस हम तुमको यही समझाना चाह रहे थे कि कहीं कुछ छूट ना जाए। हम जो एक बार ठान लेते हैं वो हम करके ही रुकते हैं, पता तो है तुम्हें। हाँ बिटिया, जानते हैं, लेकिन हुआ पर हम नहीं है ना तुम्हारे साथ, तुमको समझाने के लिए, बताने के लिए। यही से हमको थोड़ा चिंता हो रहा था। पेट के चक्कर में ना कहीं ये तुम्हारा नसीब ना काट ले। दीदू आप ना बहुत भूली, जो ऐसे लोगों को मौका देने पे आ जाते। जब हमें बच्चा चाहिए उसी हॉस्पिटल में कैसे थी वहाँ? वो जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया, मम्मी के साथ किया, वो हमारे बच्चे के साथ करे तो? हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने, और घर वाले वो क्या सोच रहे होंगे? क्या कहूंगी मैं उनसे? बोलेंगे तो कहोगे कि ऋतु हमेशा बोलती रहती है। अरे ऋतु तो बोलती है मगर उसकी सुनता कौन है? श्रद्धा तुम भी ना। दीदू आपको ना अपने इस भोलेपन पे थोड़ा काम करना होगा, वरना ये जो दुनिया है ना आपको कच्चा चबा जाएगी। बिल्कुल सही कह रही है, और उस बेसुरी पायल ने यही तो करना चाहा था तनुजा भाभी के साथ। अरे वो तो जान तक लेने को तैयार हो गई थी। अरे श्रद्धा, हम तुमको कुछ भी बोलते हैं तो तुम्हारे आंसू निकल आते हैं। अरे हमारी कड़वी बातों के पीछे हमारी क्या चिंता है, ये तो तुम कभी समझती नहीं हो। अरे तुम्हें तो अपनी मन की ही करनी है ना, ले आई तुम उसे घर के अंदर। दूसरा मौका देकर, लेकिन अब मैं तुम्हारी एक भी और हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकल जाओ हमारे घर से पायल। ठीक है, ये पैसे रख लो। रख लो श्रद्धा, हमारे बाबूजी ने हमारे लिए कुछ गहने छोड़कर गए थे, बस उसी को बेचकर ये पैसे ले आई ताकि हम तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर सके। अच्छा, तो आजकल सुनार जेल में भी बैठने लगे? हाँ ये सच है कि हम गए थे अम्मा से मिलने जेल, लेकिन हम उन्हें ये बताने गए थे कि हम आज के बाद से कभी गलत काम नहीं करेंगे, कभी किसी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। और
अम्मा ये अच्छे से जानती है कि हमने जो एक बार बात ठान ली तो वो हम करके रहते हैं। ये तुम्हारे लिए है श्रद्धा। हमारे गहने? ये वही गहने हैं जो हमने आपके घर से चोरी किए थे। आज हम इसे लौटाना चाहते हैं क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि चाहे हम कुछ भी कर ले, हम पर कभी भरोसा नहीं करेंगे आप लोग। हमें अपनी माफी का सिर्फ यही एक रास्ता मिला श्रद्धा, और हमें पता है कि हमने जो हरकत की है उसके लिए हम पर कभी कोई भरोसा नहीं करेगा। हम पे भरोसा करना नामुमकिन है। और देखो ना क्या हो रहा है। हाँ श्रद्धा, हमारे यहाँ रहने से रोज कोई ना कोई परेशानी होगी, लेकिन हम खुद को सुधारेंगे। खुद को सुधारेंगे श्रद्धा। हम मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं वादा करती हूँ मैं तुम पे कभी शक नहीं करूंगी। एक बार मुझे माफ करके ये मौका तुम मुझे दे दो प्लीज। पायल, मौका तो हमें भी चाहिए रिश्ते सुधारने का। देखो अगर तुम बदल सकती हो तो हम भी बदल जाते। तनुजा भाभी, हमने जो आपको 24 घंटे की मोहलत दी थी वो हम वापस ले लेते। अब हम ना सब साथ साथ रहेंगे। ये हुई ना बात। श्रद्धा, तुम अब सबको बुला क्योंकि मोहल्ले में खुशी बांटने की अब हमारी बारी है। कल हम तुम्हारी गोद भराई करेंगे, वो भी पूरे धूमधाम के साथ। हम वादा करते हैं श्रद्धा, हम इस घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां देंगे। अरे वाह, ये किन पकवानों की खुशबू आ रही है बाहर तक। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, इतने साल हो गए साथ रहते रहते लड़ते झगड़ते, मगर सास बहू की जोड़ी ने हमारे लिए तो ऐसे दावत नहीं सजाई कभी। हाँ अरे रितु, ये पकवान ऐसे है ना कि खा के आपका पेट तो भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। अरे ये पायल नहीं समझेगी कि ये दिन कितना खास है हमारे लिए। मम्मी जी, मम्मी जी, मैं जानती हूँ आप लोगों के लिए आसान नहीं था, पर मेरे खातिर पायल को एक दूसरा मौका देने के लिए थैंक यू। श्रद्धा, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि हमारी तनुजा भाभी का दिल बहुत बड़ा है?
हमारा मतलब है, समझा भाभी का दिल बड़ा है, मगर तुम्हारा दिल उससे भी ज्यादा बड़ा है। बुआ जी, अभी तो मैं सिर्फ इस बात से खुश हूँ कि आप सब लोगों ने पायल को इस घर में दोबारा से अपना लिया। वैसे हम हर खुशी में लड़ते झगड़ते साथ साथ हैं। चलो इसी खस्ता बात पर ना आपके हाथ के बनाए हुए जरा पराठे चख लिए जाए। अरे ऋतु, नहीं क्यों? ये पराठा ना खास हमने ज्यादा घी डाल के पायल के लिए बनाया। हमें भी ज्यादा घी वाले पराठे पसंद है। अरे आप ये खाइए ना, वैसे हमारे जो घुटनों का दर्द है ना वो उससे ठीक हो जाएगा। घुटनों का भी और पेट का भी, एक घी से दो शिकार। अरे आप ये खाइए ना। दीदू, हो क्या गया है यहाँ सबको? हमें तो कभी पूछा नहीं और उस चोरनी की सेवा में लगे हुए सारे लोग। कीर्ति, कैसी बात? चाची, अब तुम्हें जलन भी होने लगी है। जलन? और हमें? बिल्कुल भी नहीं बुआ जी, हमें तो अच्छे से पता है कि इस घर के लोगों को ना घर की बहुओं से ज्यादा बाहर वालों की फिक्र है, क्योंकि जब हम माँ बनने वाले थे तभी तो। कीर्ति, ये तुम्हारे और नैना भाभी के बीच की बात, तो तुम वहीं जाके सुलझा, ठीक है? और तुम हमको एक बात बताओ कि तुमने तो पायल को माफ किया नहीं, तो तुम यहाँ हो क्यों? तुम तो जाने वाली थी, गई क्यों नहीं? हमने तो उसे माफ कर दिया, इसलिए हम यहाँ रुक गए। ये कहिए ना कि आपको यहाँ अपना फायदा दिख रहा है इसीलिए आप रुक गई। हम जा रहे हैं, हमें इस नौटंकी का ना हिस्सा नहीं बनना। अरे पायल बेटा, तुम आ गए? आओ 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 बैठो। हम तुम्हें अपने हाथ से खिलाए। ये थैंक यू मान दीजिए। अब पायल, तुम अभी बस नाश्ता करो, हम बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है? अरे बेटा, ऐसे हालत में तुम्हें रोना नहीं चाहिए, क्या हुआ? हमने आप सबके साथ इतना गलत किया, उसके बावजूद भी आप सबने हमें इतना प्यार दिया, पता नहीं क्या कहूं मैं। तुम कुछ मत करो, तुम बस खाओ और खुश रहो। पायल, हम पुरानी सारी बातें भूल चुके हैं, अब उन बातों को तुम भी भूल जाओ। अब मैं तब तक देख के आती हूँ दूसरा सामान आया कि नहीं आया। हाँ जाओ, आप सब भी खाना खाइए ना। कीर्ति, क्या कर रही हो? अरे मुझे साड़ीज की प्रेजेंटेशन बनानी, कल क्लाइंट को दिखानी। और हमारा जो बीपी बढ़ रहा है उसका क्या, वो नजर नहीं आ रहा आपको? अरे क्यारा, अभी अभी सोई है।
तो हमें क्यों चुप करा रहे? उन ऊपर वालों को चुप कराइए ना, जो उस चोरनी की गोद भराई की तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ तो ठीक है ना, वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो वैसे भी अपनी मम्मी के यहाँ जा रही हो ना। हाँ, मार लीजिए आप भी ताने, आप भी तो इसी घर के बेटे हैं ना, क्यों नहीं मारेंगे आप ताने? चले जाते, आप ही हमें छोड़ आइए ना। अरे अभी कैसे, अभी मैं बिजी हूँ ना, ये प्रेजेंटेशन बनानी है, क्लाइंट को दिखानी है। कैसे हो वरुण जी? अरे कैसे पति हैं आप? आपको तो हमें रोकना चाहिए, मनाना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप हमें मम्मी के घर छोड़ा रहे। ठीक है, हम ना खुद ही चले जाएंगे। आप बैठ के ये प्रेजेंटेशन बनाइए। अरे अरे मेरी बात सुनो, मजाक भी नहीं कर सकता क्या? अरे यार आप, तुम्हारी मम्मी रो रही है वो कम है कि अब तुम भी रोने लगी? बच्चा शांत हो जाओ, बस बस बस, पापा यहीं पे है ना। कीर्ति बस बस शांत हो जाओ। हाँ अरे आरती जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। भैया मैं तो अपना काम कर रही हूँ, पर अभय भैया को देखो, उन्होंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया। मेरे पे प्रेशर मत डालो, आगे हाइट पे खड़ा हूँ देखो। अरे तुम जल्दी हाथ चला, कर रहा हूँ ना मैं। श्रद्धा, अरे ये छोड़ो और नाश्ता करो। पूरे घर वालों को नाश्ता करा चुकी हो और खुद नाश्ता नहीं किया। रुको मैं खिलाती हूँ अपने हाथों से। कैसे बनी है? तुम्हारी तो बहुत टेस्टी बने हैं। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें ये कैसा लगा? वाह ये तो बहुत सुंदर है। वैसे पता है तुम्हारे इस खास दिन के लिए मैंने एक बहुत ही खास ड्रेस चुनी है तुम्हारे लिए। चलो ना तुम्हें दिखाती हूँ, आ जाओ। ये मुझे दो, आ जाओ आराम से। श्रद्धा तुम ठीक तो हो? श्रद्धा किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।